दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का विषय है कि किसी न्यायालय में या अदालत में जज साहब के सामने आरोपी के तौर पर या किसी गवाह के तौर पर या किसी ऐसी कंडीशन में पक्षकार के तौर पर हम किस तरह पेश हों, वहाँ हमारा व्यवहार कैसा हो और ऐसा क्या करें जिससे जज साहब प्रभावित हों और हमारे पक्ष में या हमारी तरफ उनका झुकाव हो और कोई निर्णय या ऐसा आदेश हमारे पक्ष में आने की संभावना हो। दोस्तों आज हम जानते हैं कुछ बेसिक टिप्स जिस पर हम चर्चा करेंगे। मुझे आवश्यक लगा क्योंकि मैं प्रैक्टिशनर एडवोकेट हूं, कोर्ट में ज़्यादातर देखता हूं कि किस तरह का लोग आकर के बिहेव करते हैं, तो मुझे आवश्यक लगा, मैं अपना अनुमान इंगित करता हूँ, लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों पहली बात मैं ये कहना चाहूँगा कि कभी भी कोर्ट में किसी न्यायालय में आप पक्षकार के रूप में जाएं या गवाह के रूप में जाएं, आरोपी हैं वादी हैं, तो आप बहुत ज़्यादा भड़काऊ कपड़े ना पहनें, सादे कपड़े पहन करके जाएं, सामान्य कपड़े जैसे लोग पहनते हैं सामान्य कपड़े हों आपके। दूसरा, जब जज साहब के सामने आप पेश हों, उनसे रूबरू हों, तो उनसे आप नमस्ते कर सकते हैं या हाथ जोड़ करके सर झुका सकते हैं। ये आपका उनसे मिलने का अच्छा तरीका हो सकता है, इसका आपके व्यक्तित्व पर वहाँ एक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आप अपनी बात को कहने के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित ना हो। जब भी आपसे कुछ पूछा जाए, जैसे किसी मुकदमे में पुकार हुई है फलाने सो एंड सो वर्सेस सो एंड सो, आप वहाँ मौजूद हैं, तो आप कह सकते हैं हाथ जोड़ करके कि हम अपने वकील साहब को लेने जा रहे हैं या हम इसमें उपस्थित हैं, हमारी वकील साहब किसी दूसरे न्यायालय में हैं या दूसरी कोर्ट में हैं, हम उनको बुला के ला रहे हैं। आपका केस अलग रख दिया जाएगा और आपके वकील साहब के आने पर वो प्रोसीड कराएंगे आकर के। तो दोस्तों आप वहाँ बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग ना करें। किसी न्यायालय में आप अगर पक्षकार हैं, आप वादी हो सकते हैं, प्रतिवादी हो सकते हैं, आपकी ओवर एक्टिंग जज साहब के सामने आपके केस को नुकसान पहुंचा सकती है। आप वहाँ जो न्यायालय का स्टाफ है, पेशकार हैं, स्टेनो हैं, वहाँ के चपरासी हैं, उनसे आप बेवजह उलझे नहीं, कोई ऐसी बात नहीं कहें जो हार्ट अटैक हो जाए, सब लोगों का ध्यान आपकी तरफ आ जाए या जज साहब देखने लगें। जब भी जज साहब आपसे कोई बात पूछें, अक्सर होता है किसी मामले में जज साहब सीधे सीधे पूछ सकते हैं कि, तो आप उनका संबोधन कैसे करें, ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। ज़्यादातर लोग बिना किसी संबोधन के ही शुरू हो जाते हैं, कोई जनाब कहता है, कोई साहब कहता है, कोई सर कहता है, कोई योर ऑनर कहता है, तो आप जो वर्ड उचित समझें। वैसे अपने उत्तर प्रदेश में सबसे बेहतर शब्द होगा सर, वो मजिस्ट्रेट पुरुष भी हो सकते हैं, पीठासीन अधिकारी महिला भी हो सकती हैं, दोनों लोगों को आप सर से संबोधित कर सकते हैं, आप सर से संबोधन कर सकते हैं या अन्य कोई ऐसा शब्द, क्योंकि आप वकील हैं नहीं, आप बहुत भारी भरकम शब्द योर ऑनर योर लॉर्डशिप इनका प्रयोग ना करके सर का प्रयोग सबसे बेहतर होगा आप करें। और अपना आई कांटेक्ट, माने आप अपनी आंखों से जज साहब की आंखों में देखें, ताकि वो कुछ पूछ रहे हैं, ऐसा ना हो कि वो पूछ रहे हैं आप इधर उधर देख रहे हैं, आपका आई कांटेक्ट नहीं होगा, बात हल्की में चली जाएगी। और उस बात को बहुत गौर से समझें कि वो क्या आपसे पूछना चाहते हैं, और वो पूछ रहे हैं आपके बात समझ में नहीं आई, तो आप कभी ये ना कहें कि जज साहब आपने हमें बात समझा नहीं पाई है, या चूँकि कोर्ट को आप ऐसे क्रिटिसाइज ना करें, आप धीरे से कह सकते हैं कि सर मेरे समझ में नहीं आया, वहाँ आप अपनी गलती बताइएगा, तो कृपया दोबारा पूछ लें। तो वहाँ खड़े जो भी और अधिवक्तागण हैं, क्योंकि कोर्ट में ऐसा कम ही होता है कि आप अकेले हों, और भी केसेस में कई अधिवक्तागण होंगे, तो कोई वकील साहिबान वहाँ होंगे तो आपको बता देंगे कि जज साहब ये पूछ रहे हैं, इसका क्या बताना चाहते हैं। तो खूब सोच समझ कर
बिना उत्तेजित हुए प्रयास करें कि आप सच बोलें और अपनी बात को कम शब्दों में बता दें। आप वहाँ भाषण न दें, आप वहाँ पर किसी एक्ट में कोई जो कमियाँ हैं उनको बताने का प्रयास न करें, क्योंकि एक्ट विधानसभाओं में बनते हैं या संसद में बनते हैं या माननीय उच्चतम न्यायालय में कोई रूलिंग होती है उसके आधार पर कानून फॉलो होता है। तो ऐसी स्थिति में आप अपनी ओपिनियन दे करके वहाँ बड़े बनने का प्रयास ना करें, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिनके जिम्मे ये काम है। आप जिस काम के लिए गए हैं, जो आपका पार्टिकुलर केस है, उसके बारे में आप अपनी अगर कोई बात कह रहे हैं, पहले तो प्रयास ये करें कि आप अपनी बात स्वयं कहने का, आपके वकील साहब हैं, आप आर्गूमेंट करने का प्रयास बहुत ज़्यादा ना करें। आपके वकील साहब को राइट है, वो बोलेंगे, आपकी बात कहेंगे। तो दोस्तों, ये स्थितियाँ हैं। और अंत में अगर आप गवाह के रूप में हैं, तो जो आपके विरोधी पक्ष के वकील साहब हैं, वो आपसे जो भी प्रश्न पूछ रहे हैं उनका सही सही उत्तर दें, और उत्तर दे करके अपना वहाँ लिखवा दें। बेवजह की बातों में उलझ करके आप अपना और न्यायालय का समय बर्बाद ना करें। और इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आप जब भी न्यायालय जाएं, तो कभी ऐसा वहाँ महसूस ना होने दें कि आप अपने मुकदमे को बहुत ज़्यादा डिले करना चाहते हैं। डिले करने के उद्देश्य से आप बार बार वहाँ स्थगन प्रार्थना पत्र दे रहे हैं, ऐसा जज साहब को महसूस नहीं होना चाहिए। अगर कोर्ट में ऐसा महसूस होता है कि आप स्थगन प्रार्थना पत्र दे रहे हैं, धीरे धीरे इसको समय बढ़वा रहे हैं, आप अपनी कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे हैं, आप अपनी जिम्मेदारी को, आप अपने काम को किसी अन्य के ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं, तो ये आपके लिए ठीक नहीं होगा। आप अपनी बात को, आप अपनी ऐसी बात प्रदर्शित करें कि मैं बिल्कुल ठीक ठाक ढंग से हूँ, अपना काम जल्दी से जल्दी सुटेबल करना चाहता हूँ, निर्दोष हूँ, और इस तरीके से अपने केस को आगे बढ़ाएं, तो निश्चित है कि सफलता आपको मिलेगी। और चूंकि कोर्ट का जो व्यवहार है वो बहुत बोल्ड होता है, न्यायपालिका सर्वश्रेष्ठ है, न्यायालय में हर प्रकार के लोग पहुंचते हैं, वहाँ एडवोकेट्स हैं जो न्यायालय के अधिकारी होते हैं, उनके सामने आप बहुत बड़ा बनने की कोशिश ना करें। नहीं, ये ठीक है, आप योग्य हो सकते हैं, आप योग्य हैं, आपकी प्रतिभा पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है, किंतु वहाँ बड़ा बनने से आपको नुकसान होना संभाव्य है। इसलिए जज साहब की बात को सुने, अपनी बात अगर बतानी है तो शालीनतापूर्वक आप बता दें, कोई समस्या नहीं है। इसके अलावा अगर कोई ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है जो आपकी समझ में नहीं आ रहा है, तो बहुत आवश्यक नहीं है कि तत्काल उसका उत्तर दे दें, उसका उत्तर खूब सोच समझ कर दें। जो भी बात आपको बतानी है तो उसको बोल करके बताएं, ऐसा नहीं है कि आप अपने बॉडी लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा हाथ हिला करके और इस तरीके से आप ना करके अपनी बात का उत्तर बोल करके दें। इस तरह से आप अपने को वहाँ प्रेजेंट करें, तो आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा जाएगा। नमस्कार।